बारिश का मौसम हो और ब्रेड पकोड़े मिल जाए फिर तो क्या ही बात। हेलो फ्रेंड्स, रूपम खाना खजाना में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई फंक्शन या फेस्टिवल हो, ब्रेड पकोड़े तो होते ही है, तो इसलिए आज मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बनने वाले टेस्ट से भरपूर ब्रेड पकोड़े की शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी स्टफिंग कमाल की होगी और साथ ही साथ मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आपके ब्रेड पकोड़े हर बार परफेक्ट बनेंगे। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रेड पकोड़े के लिए स्टफिंग तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। तेल गरम हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 पिंच हींग, छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा, साबुत धनिया, लहसुन अदरक का दरदरा पेस्ट, वैसे आप चाहे तो जो पैक में पेस्ट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इस स्टफिंग को थोड़ा और बढ़िया बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पीनट, जिसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया था, आप चाहे तो मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बस इसे मिक्स करके सौते कर लूँगी जब तक प्याज पक ना जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले, जिसमें है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, आप इसके जगह इमली का खट्टा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। जो जो मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ उसके साथ साथ मैं उनके सब्स्टिट्यूट्स भी बता रही हूँ ताकि आपको ये बनाने में आसानी हो। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ब्रेड पकौड़े की जान, जो कि है मैश्ड बॉइल्ड पोटैटो, और लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। अब बस आलू को मसाले के साथ मिक्स मैच करना होगा। वैसे स्टफिंग को और बढ़िया फ्लेवर देने के लिए आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी शानदार आलू की स्टफिंग तैयार है। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये ब्रेड पर इजीली स्प्रेड हो पाए। इसकी खुशबू वाकई में बहुत ही बढ़िया आ रही है, जैसे हलवाई की दुकान पर आती है ना, बिल्कुल वैसी ही। बस लास्ट में ऐड करूँगी कुछ कोरिएंडर लीव्स और स्टफिंग पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए अब आगे के स्टेप्स को देख लेते हैं। तो अब मैं तैयार करूंगी ब्रेड पकोड़े के लिए बेसन की कोटिंग, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लिए है 2 कप बेसन। इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 पिंच नमक। नमक कम ही डालिएगा क्योंकि हमने स्टफिंग में पहले से ही इसे यूज़ कर रखा है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोटे चम्मच से आधा चम्मच अजवाइन, इसे डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आता है, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे मिलाते चलेंगे। एक बार में सारा पानी ऐड मत कीजिएगा, धीरे धीरे करते रहिएगा मिक्स इसे, ताकि इसमें लम्स ना बने। इसका हमें एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा। अगर पतला बैटर तैयार करेंगे तो ब्रेड पकौड़े पे अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी, और अगर मोटा बैटर तैयार होगा यानी कि थिक कंसिस्टेंसी का, तो ब्रेड पकौड़े में फटने का डर रहता है। तो जैसे मैंने किया है, बिल्कुल रिबन टाइप का आपको एक बैटर तैयार कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मीठा सोडा, इसे डालने से ब्रेड पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, और लास्ट में 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल डालने से ये जो ब्रेड पकौड़े हम फ्राई करेंगे वो ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिससे आपके ब्रेड पकौड़े बहुत ही लाइट बनेंगे। तो ये देखिए हमारी कोटिंग स्टफिंग दोनों तैयार है। अब हम इसके सैंडविच तैयार कर लेते हैं। तो अब मैंने 4 से 5 ब्रेड की स्लाइसेस ली है। आपको यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है कि ब्रेड ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड। जब ब्रेड को रखे 1 दिन हो जाता है ना, वो वाली ब्रेड बिल्कुल परफेक्ट रहती है इस ब्रेड पकौड़े को बनाने के लिए, क्योंकि उसमें टूटने का डर नहीं रहता है। अब आलू की स्टफिंग को आराम से ब्रेड पर स्प्रेड कर लीजिए, और चाहे तो इसके बीच में एक पनीर की स्लाइस भी रख सकते हैं। ये आपके ब्रेड पकोड़े को थोड़ा और स्पेशल लुक देती है। बस इसे दूसरे ब्रेड से कवर कर दीजिए। तो मैंने पहले से ही ब्रेड पकोड़े को फ्राई करने के लिए तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इस ब्रेड को आराम से बेसन के बैटर में डिप करेंगे जो हमने तैयार किया था, और इसे बिल्कुल आराम से डाल देंगे कढ़ाई में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी ब्रेड थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, क्योंकि मैंने इसे फ्राई करने के लिए छोटी कढ़ाई का यूज़ किया था। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेड पकोड़े फ्राई करें तो आप थोड़ी स्पेस वाली कढ़ाई लें, ताकि उसको फ्राई करने में आसानी हो। तो इसे मैं निकाल देती हूँ और आपको एकदम परफेक्ट ब्रेड पकौड़ा फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं सेकंड वाला ब्रेड पकोड़ा फ्राई कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले कोटिंग अच्छे से होनी चाहिए,
सेकेंडली बिल्कुल आराम से कढ़ाई में जाना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं आप मैंने इसको आराम से डाला है और पहले वाले से ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। और थर्ड बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेड पकौड़े फ्राई करें तो फ्लेम को मीडियम ही रखें। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ब्रेड पकौड़ा ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब करेगा और आपके ब्रेड पकौड़े इतने लाइट नहीं बन पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो रेडी है हमारे टेम्पटिंग एंड टेस्टी ब्रेड पकौड़ास। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारिश का मौसम हो, घर में कोई फंक्शन हो, अब मौका मिलते ही एक बार ज़रूर बनाइएगा। जितने ये दिखने में टेस्टी लग रहे हैं, बनाने में भी उतने ही आसान थे। सो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, और आपने मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।